हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 6.2। लेट्स सी एग्जांपल 11। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज ए इंक्रीजिंग या फिर बी डिक्रीजिंग। सो आपको ऐसे इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि जिसमें आपके पास ये जो फंक्शन प्रोवाइडेड है वो कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या फिर कौन से इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है ये। लेट्स डू दिस। सो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ज़रूर बताया हुआ है। सो आप वहाँ पे जाके वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स को सिंपलेस्ट वे में लेकर आओगे फैक्टर्स की फॉर्म में जितना आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकेगी। राइट, सो यहाँ पे 12 की वैल्यू कॉमन जैसे ही मैं लेती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स कर रही हूँ। सो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, x की वैल्यू को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो यहाँ पे ये सिंपली फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। बाहर आपके पास 12 चल रहा है, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो वैल्यू है x माइनस 3 है, ये एक वैल्यू है x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आपको इंटरवल्स स्पेशली मेंशन किया है कि आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि आपको लेट करना होता है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। राइट, क्यों लेट करना होता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यूज आती हैं जिनको आप यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, आपके वहां से निकल के आते हैं। राइट, सो यहाँ पे आपके पास डिसजॉइंट इंटरवल्स जिन्हें हम बोलते हैं, आप इंटरवल्स बोल सकते हो जिनको, तो वो आपके इसी की हेल्प से आपके आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पे अगर मैं अपने f डैश ऑफ x की वैल्यू रखती हूँ इक्वल्स टू जीरो, तो क्लियरली ये वैल्यू तो जीरो हो गई। राइट, सो दैट मीन्स एक बार x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो है, एक बार x प्लस 2 की वैल्यू जीरो के इक्वल है। दैट मीन्स x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव 3, एक बार x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है माइनस 2। सो मेरे पास यहाँ पे x के 2 पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन देखो, ये है आपके पास माइनस 2, ये है आपके पास 3, ये है वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ये है आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो एक इंटरवल आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, देन माइनस 2 से 3, एंड एक इंटरवल 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो आपके यहाँ पे 3 इंटरवल्स आपके आए हैं। सो यहाँ पे इंटरवल्स में लिख रही हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, एक आपके पास माइनस 2 से 3, और एक आपके पास इंटरवल है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो यहाँ पर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स में आपको इन इंटरवल्स में से कोई एक पॉइंट उठाकर वैल्यू पुट करनी है, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके एफ डैश ऑफ एक्स में कैसी वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है। सो सबसे पहले आपका ये जो 12 वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। तो 12 का 12 ही रहने वाला है, कोई भी वैल्यू लोगे आप इनमें से तो 12 का तो 12 ही रहेगा। एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि पॉजिटिव है वो 12 ही रहेगी। सो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो इस 12 के लिए। अगर यहाँ पे माइनस 12 होता तो यहाँ पे मैं माइनस 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 लिखती। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास अभी इसके लिए वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसके लिए जो साइन आना है वो यहाँ पर आएगा। सेम फॉर हेयर एंड सेम फॉर हेयर। सो सबसे पहले मैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2 इस इंटरवल में से एक पॉइंट उठाने वाली हूँ। सो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेती हूँ, सपोज माइनस 3। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है माइनस 3। सो माइनस 3 मैं इसमें भी डालूंगी, माइनस 3 मैं इसमें भी डालूंगी। तो देखती हूँ जब मैंने इस इंटरवल में से एक पॉइंट उठाया है दैट मीन्स माइनस 3, तो जब मैं यहाँ पर वो x की वैल्यू डालती हूँ माइनस 3, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। तो माइनस 3 क्या हो जाता है आपके पास, माइनस 6। ठीक है, सो नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपकी, माइनस लिख दो। सो माइनस 3 प्लस 2 तब भी नेगेटिव आ रही है आपके पास वैल्यू। सो यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस माइनस 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 प्लस, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। सो आप यहाँ पे एक तो इस तरह से भी लिख सकते हो दैट दिस इज कमिंग ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सो दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग। अब बात आती है माइनस 2 कॉमा 3 वाला इंटरवल लेने की।
अब मैं इस इंटरवल में से एक पॉइंट उठा लेती हूँ. सपोज मैंने जीरो वैल्यू उठा ली है, माइनस टू और थ्री के बीच में एक वैल्यू आती है जीरो, दैट मीन्स आप वन भी उठा सकते हो, टू भी ले सकते हो, कोई वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इस इंटरवल के बीच में ही होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने जीरो उठा ली है, बहुत बेसिक. सो यहाँ पे जैसे ही मैं जीरो लिखती हूँ तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जैसे ही मैं यहाँ जीरो लिखती हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. सो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव, राइट. सो ये आपका रिजल्ट लेस देन जीरो ही आ रहा है. तो आप इसको दैट मीन्स क्लियरली लिख सकते हो दैट इट्स डिक्रीजिंग. अब इसी तरह से थ्री से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू लेनी है आपको, कोई भी ले सकते हो. फोर ले ली है मैंने यहाँ पे वैल्यू, तो फोर माइनस थ्री एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, फोर प्लस टू तब भी पॉजिटिव. सो प्लस 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 ऑल आर पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन जीरो इट्स अगेन इंक्रीजिंग है. सो आपको यही इंटरवल्स निकालने थे कि कौन से इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन जो है डिक्रीजिंग आ रहा है. सो क्लियरली अगर आप ये चार्ट बना के दिखाते हैं तो क्लियरली टीचर को क्लियर पता चल जाता है कि इस इंटरवल में कैसे कैसे वैल्यूज आपने सॉल्व करके कैलकुलेट करके बताया है प्रॉपर रिजल्ट. तो हेंस आप अगर थियोरेटिकल वे में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो. सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि आपको किस तरह से वैल्यूज को सॉल्व करना है, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स के साथ. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.